राजद के तेजस्वी यादव मीसा भारती इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष आरोप लगा है कि चुनाव में 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट बेचने का। देखिए ये तो परंपरा है तेजस्वी यादव और राजद पर पहले से भी लगता रहा है और राजद की ये तो संस्कृति रही है कि पैसा लेकर टिकट देने का, तो ये आज कोई नई परंपरा नहीं है। और अभी जिन्होंने भी लगाया है अब उसके सत्यता का जांच तो करेगा ही जिला प्रशासन और प्रशासन, लेकिन जो संस्कार पार्टी में मिला है उनको तो वो तो उसी को ना आगे बढ़ाएंगे, और आज उसी का प्रतिफल है कि आज उन्हीं के पार्टी के लोग उन पर इस तरह का विषय ला रहे हैं, तो ये सब शर्म की बात है। तेजस्वी यादव को सामने आकर माफ़ी भी मांगनी चाहिए और पूरे स्थिति का स्पष्ट करना चाहिए। जेडीयू के चिकित्सक प्रकोष्ठ के नेता के ऊपर हत्या कराने का आरोप लगा है, मामला पटना का ही है। देखिए मैंने कहा कि जो भी मामले आते हैं जिला प्रशासन उसकी सत्यता की जांच करेगा, आरोप जो लगे हैं उन पूरे विषयों की जांच होगी और जो भी सही पाया जाएगा उस दोषियों को कोई छोड़ा नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार में स्पष्ट है जो गलती करेंगे वो बचेंगे भी नहीं, और जो चाहे किसी भी जगह पर वो रहे हो, चाहे सरकार में हो या बाहर रहे हो। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।